अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे कान्हा जी, हे राम जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। सुरभि जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, जब तक सुमन है अपने दोनों बेटों को मुसीबत छू भी नहीं सकती। राम जी करें ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। स्वामी काज कर हो रन रारी, जस धबरी हो भुवन दस चारी, काजु प्राण निज रघुनाथ ने हो रे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। छाजी, इस तोहे का क्या मतलब है? सीता मैया को जब ये पता चला कि उन्हें भी प्रभु रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाना होगा, तो उन्होंने अपने स्वामी प्रभु रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ रण में भी रह लूंगी। और ये भी कहा, यदि आपके प्राणों पर कोई संकट आ जाए तो मैं आपके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। सुमन, 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 क्या हुआ? क्या हुआ सुमन, तुम ठीक हो? अरे वो सांप, सांप, सांप काटा सुमन को, मैंने देखा। ये सांप तो जहरीला है। सुमन, सुमन कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंशुमन जी, अंशुमन जी नहीं, ऐसे मत कीजिए, ऐसे तो जहर आपके शरीर में चला जाएगा। नहीं अंशुमन जी नहीं, प्लीज प्लीज अंशुमन जी, आप एक काम करिए, हमारे हाथ को, हमारे हाथ को मार। सुमन, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मां, पापा, नंदिनी, नंदिनी, चेताजी, कोई तो दरवाजा खोलो। नंदिनी, पापा, माँ, नंदिनी, छोटके बहुआ, तुम यहाँ, तुम घर आ गए हैं? अरे तुम तो 6 महीना का घर निकाला के रे उन लोगों के साथ गए थे ना, तो फिर वापस कैसे आ गए इतनी जल्दी? अरे चलो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम वापस आ गए। अब ये तुम लोग वापस कब आ रहे हैं, हैं? ये बताओ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, प्लीज अभी कुछ नहीं। नंदन, बात क्या है? ये भी नहीं लग रहा फोन। लेकिन बताओ कुछ, क्या बात है? माँ, वो गौशाला में सुमन को सांप ने काट लिया है। इसको ही डॉक्टर बुलाइए ना दादाजी, कुछ कीजिए ना प्लीज जल्दी। आयो दादा, सांप ने काट लिया। घबराओ मत सुमन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राम जय सीता राम, राम राम जय।
अंशुमन जी। वसुमन आंखें बंद मत करना, आंखें बंद मत करना। जब घर निकाला दिया गया है तो घर से किसी भी प्रकार का मदद का उम्मीद करना बेवकूफी है छोटके बाबूआ। और छोटकी ने ये तो साफ साफ कह दिया था कि घर से बिल्कुल कोई सहायता नहीं मिलेगा। तुम जाओ यहाँ से। बड़ी माँ ये क्या बकवास कर रही है आप? क्या आप किसी की जान खतरे में है? सुमन को सांप ने काट लिया है और आप इस समय ये सब बात कर रही हैं? हमको कुछ नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि तुम लोगों को घर निकाला दिया गया है। मामा समझाइए ना, बड़ी माँ क्या कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रही है। जी क्या माँ? सबसे पहले इस दहलीज के बाहर जा। तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं है नंदन। सुरभि जी हालात तो देखिए। हाँ जी, इन्हें 6 महीने वनवास की सजा मिली है जो इन्होंने अपने पूरे होश आवास में कबूल भी की है। अब विनती है आपसे, सभी से इस मामले में बीच में कुछ मत बोली। बाबूजी मिथिलेश, नंदन ये ले, ये एंटीवेनम इंजेक्शन है, इसे सुमन को लगा देगा तो जहर उसकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। हाँ ठीक है नंदनी, तू चल ना। तू नंदन, मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। मेरा आना ना माँ को अच्छा लगेगा और ना ही सुमन को। और ये इंजेक्शन भी मैं तुझे एक डॉक्टर होने के नाते दे रही हूँ, इस घर की बेटी होने के नाते नहीं। अब जा, टाइम वेस्ट मत कर। हे कान्हा जी, हमारी सुमन की रक्षा करना। अंशुमन जी, अपनी आंखें खुली रखना प्लीज, जहर लगभग बह चुका है। अंशुमन जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। नाना जी हमेशा कहते हैं, भोले नाथ जी ने हमें भी अपने ही तरह नीलकंठ बनाया। दुख दर्द तकलीफ जहर इसका हम पर कोई असर नहीं होता।